गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 के अंदर अगला टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण और सेल्फ यानी स्वयं के अंदर प्रेरण यानी स्वयं के द्वारा प्रेरित होना। ठीक है, इसमें फिर क्या होता है, जब हमारे पास एक परिनालिका होती है, परिनालिका मतलब कि एक ऐसी शाफ्ट होती है जो अंदर से खोखली होती है। ठीक है, और इसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटा जाता है। ठीक है, जब इसके ऊपर तांबे के तार को लपेट के इसको क्या बना दिया जाता है, परिनालिका का रूप देते हैं। और परिनालिका में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या लगा होता है हमारे पास, एक रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट मतलब धारा नियंत्रण। जब हम प्रतिरोध बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो धारा का मान बढ़ता और घटता है, यानी जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में प्रतिरोध बढ़ा के धारा के मान को घटाया या बढ़ाया जाता है, तो धारा के मान को परिवर्तित करने पर इस परिनालिका में क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण। ठीक है, धारा को बढ़ाने या घटाने के कारण इस परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यानी कि फाई, वो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, घटता है और बढ़ता है। तो जब किसी परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो जो परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है वो उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी धारा बढ़ाने घटाने के चुंबकीय फ्लक्स भी घटता और बढ़ता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, जब धारा परिवर्तित करते हैं तो जो परिनालिका होती है वो एक चुंबकीय क्षेत्र में बदल जाती है और इससे जो बल रेखाएं गुजरती है उस बल रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, स्वप्रेरण आगे समझ में, स्वप्रेरण क्या होता है, किसी कुंडली में स्वयं जो धारा उत्पन्न होती है यानी कि धारा की दिशा में, मान लो धारा इस दिशा में बह रही है और हम जब धारा को घटाते या बढ़ाते हैं, मान लो धारा को बढ़ाया तो प्रेरित धारा इसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी और अगर धारा को घटाया तो धारा इसकी मुख्य धारा की दिशा में उत्पन्न होती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण सबसे पहले परिभाषा देना है। ठीक है, 3 नंबर में अगर समझाने के लिए आता है वैसे 4 नंबर में डेरिवेशन ही पूछा जाएगा। ठीक है, और साथ में परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा याद करना है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया था तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसी कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यदि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो, फाई हो तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो तो फाई समानुपाती आई या फाई बराबर होता है एल आई। ठीक है, यहाँ से एल क्या होता है, जहाँ एल एक नियतांक है, जहाँ एल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, स्वप्रेरण गुणांक, एल एक नियतांक है जो स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। एल की वैल्यू निकालोगे तो एल बराबर होता है फाई अपॉन में आई। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, और कैपिटल एच से इसको हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी, जो कैपिटल एच से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये हो गया स्वप्रेरण। अब आता है इसके लिए एक डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन क्या होता है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखी देता हूं, क्वेश्चन एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण के लिए व्यंजक फाइंड करना है। ठीक है, व्यंजक ज्ञात करना है किसके लिए, लंबी परिनालिका, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अपन एक परिनालिका हम बना लेते हैं, देखो परिनालिका को नाम क्या दे दिया, एस। परिनालिका की लंबाई क्या ले ली, एल। और एक परिनालिका की त्रिज्या क्या होगी, आर। ठीक है, बीच में से जाएगी तो त्रिज्या बनेगी, पूरी गोल होती है। ठीक है, और परिनालिका की लंबाई एल, और यहां से यहां तक इसमें कुल फेरों की संख्या क्या मान ली, कैपिटल एल। और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एल। देखो यहां से यहां तक मान लो ये 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की परिनालिका है तो 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न
और लंबाई कितनी है 10, तो 10 * 10 कितने हो गए फेरे 100। बात समझ में आ गई। इसीलिए प्रत्येक एकक लंबाई में फेरों की संख्या n है, उसका लंबाई से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा कुल फेरों की संख्या, मतलब कुल फेरों की संख्या क्या हो गई, प्रत्येक एकक लंबाई में फेरों की संख्या * इसकी लंबाई। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। माना एक पाइप नलिका है जिसके अंदर पाइप नलिका की लंबाई स्मॉल n, उसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल r है, तथा पाइप नलिका में प्रत्येक एकक लंबाई में फेरों की संख्या n तथा कुल फेरों की संख्या कैपिटल n है, ठीक है। जब पाइप नलिका में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो फ्लक्स होता है तीन चीजों पे निर्भर करता है, फ्लक्स निर्भर करता है उसमें कुल कितने फेरे हैं यानी कुल फेरों की संख्या पे। जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे, और ये जो परिनालिका है ये कितनी मोटी है, मोटा है मतलब उसका एरिया कितना है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला आपको चार डेरिवेशन होंगे इससे ये याद ही रखना है ना, दो तो स्वप्रेरण के लिए है और दो अन्योप्रेरण के लिए, ठीक है। जब परिनालिका में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा B बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन में तीव्रता सूत्र होगा B बराबर म्यू जीरो एन आई, ठीक है। ये कहां से आया है तो B बराबर म्यू जीरो एन आई आया है आपके जो हमने चैप्टर 4 किया था, इसके स्टार्टिंग में हमने किया था वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और वृत्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। उसके बाद एक डेरिवेशन उसमें आगे हुआ था किसी पाइप नलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो जो हमने नहीं किया था, पर वहां पे जो आंसर निकलता है वो ये होता है। तो यहाँ पाइप नलिका ले रहे हैं इसलिए पाइप नलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यहाँ पे ये होगा ना कि बालासोर्ट का नियम लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो B बराबर होता है म्यू 0 n i, n क्या है प्रत्येक एकक आयतन में फेरों की संख्या, अगर अपन इस n का मान निकालना चाहे तो n की वैल्यू यहाँ से जान लेंगे n बराबर हो जाएगा कैपिटल n अपॉन में है, ठीक है। तो ये n की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो होगा B बराबर म्यू 0 n i अपॉन में l, क्लियर, ठीक है। ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र, अब क्या निकालेंगे पाइप नलिका से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर क्या होता है एन बी ए, ठीक है। यहां पे मान रखना है किसका आपको बी का मान रखना, फाई बराबर हो जाएगा एन बी की वैल्यू म्यू जीरो एन आई अपॉन में एल इनटू में क्या आ गया ए, फाई बराबर हो जाएगा एन म्यू जीरो एन और एन क्या हो गया एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल, ठीक है। ये फाई की वैल्यू आ गई, हमको क्या निकालने के लिए बोला एक लंबी पाइप नलिका के स्वप्रेरण निकालना, तो स्वप्रेरण के लिए स्वप्रेरण का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। पाइप नलिका का स्वप्रेरण L हो तो L बराबर L हो तो phi बराबर क्या होता है L I, ये स्वप्रेरण का फॉर्मूला पढ़ा कि अपन ने, ठीक है। इसको दे दो समीकरण दो, अब एक और दो में देखो LHS दोनों के बराबर है तो RHS को बराबर कर देंगे तो L I बराबर हो जाता है म्यू जीरो L स्क्वायर I A अपॉन में L, I से I कैंसिल, L बराबर क्या होता है म्यू जीरो L स्क्वायर A अपॉन में। अब ये जो परिनालिका है इसके अंदर, ये तो परिनालिका के लिए फॉर्मूला है, अब इस परिनालिका के मध्य में अगर कोई नर्म लोहे का टुकड़ा रख दिया जाए क्या हो जाएगा,
अगर परिनालिका के मध्य कोई नरम लोहे का टुकड़ा रख देते हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र और ज्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। उस स्थिति में म्यू जीरो जो है वो वायु का निर्वात की चुंबक क्षमता है ना। अगर हम नरम लोहे का टुकड़ा रख देते हैं तो क्या हो जाता है इसमें, म्यू जीरो आपका बदल के क्या हो जाएगा, एल बराबर म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। म्यू जो है वो क्या हो जाएगी, क्रोड की चुंबक क्षमता, जो नरम लोहे का टुकड़ा रखा है इसको क्या बोलते हैं, क्रोड। ठीक है, तो चुंबक क्षेत्र बढ़ जाएगा यानी सॉकेट गुणांक का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही बराबर होता है μ n स्क्वायर a अपॉन में। अब इस क्वेश्चन को और आगे तक पूछा जाता है कि ये भी बताइए सॉकेट गुणांक के लिए व्यंजक और साथ में क्या बताना है कि ये कब घटता है बढ़ता है या ये किन कारकों पे निर्भर करता है। तो यहां कितने दिख रहे हैं हमको, चार कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, यानी l जो है वो इन चार पे निर्भर करता है, तीन ऊपर है और एक नीचे। तीन ऊपर वाले हैं तो तीन अगर ऊपर वाले अगर बढ़ रहे हैं उनके मान तो l भी बढ़ेगा, अगर नीचे वाले का मान बढ़ रहा है तो एल घटेगा। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको देख के एल क्या दिख रहा है आपको, कुल फेरों की संख्या, यानी परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ती है तो सॉकेट गुणांक का मान बढ़ता है। परिनालिका का एरिया बढ़ाने पर यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सॉकेट गुणांक का मान बढ़ता है। क्रोड की चुंबकशीलता यानी नर्व का टुकड़ा रखने पर सॉकेट गुणांक का मान बढ़ता है। और एल जो है लंबाई, परिनालिका की अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो सॉकेट गुणांक का मान घटता है। ठीक है, ये चार पॉइंट इसको देख के लिख सकते हैं। अब इसका एक सेकंड और डेरिवेशन बनता है, सेम है। अब एक लंबी परिनालिका के लिए क्या लिखना है आपको, एक समतल वृत्त कुंडली। क्वेश्चन चेंज होगा और कहां का चेंज हो रहा है वो आप देख लें। ठीक है, डेरिवेशन तो सेम ही है। समतल वृत्ताकार कुंडली, ठीक है, क्वेश्चन में क्या चेंज करा है, देखो एक समतल वृत्ताकार कुंडली। कुंडली जो है हमारी कैसी है, वृत्ताकार त्रिज्या r होगी। ठीक है, और ऐसे एक के ऊपर एक फेरे कितने लगते जाएंगे, n, तो कुल फेरों की संख्या आएगी होगी इसमें, है ना। इसमें प्रत्येक आम आयतन वाला काम नहीं रहेगा। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, a, यानी कि पाई r स्क्वायर, त्रिज्या उसमें भी होगी। ठीक है, क्योंकि वृत्त है। ठीक है, इसको देख के क्या लिख सकते हैं, माना किसी समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या a r है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा उसमें कुल फेरों की संख्या n, तब उसमें आईएमपीएम की धारा प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला फिर से बदलेगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा b बराबर म्यू जीरो n i अपॉन में टू r, जहां आपका रत्ती कुंडली की त्रिज्या है। ये फॉर्मूला भी चैप्टर 8 से, चैप्टर 4 से आया है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम रत्ती कुंडली की बात कर रहे हैं। ठीक है, b बराबर m जो है n i अपॉन में टू r। जब हम परिनालिका से मध्य चुंबकीय फ्लक्स क्या फाई, तो फाई बराबर यही फॉर्मूला रहेगा, फाई बराबर होगा n b, जहां n के आसपास कुल फेरों की संख्या, यहां पे स्मॉल n लेना है। ठीक है, n b a, अब यहां फाई b की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये जो कैपिटल n ये था, ये भी आपका क्या हो गया, स्मॉल n, और ये जो फॉर्मूले वाला था ये भी क्या आएगा, वहां पे स्मॉल n आएगा। देखो n n और अपर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2r। ठीक है, ये n और n क्या हो जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएंगे, तो म्यू जीरो n स्क्वायर i अपर में ठीक है, फ्लक्स क्या होगा फाई, तो फाई बराबर होगा एन बी ए, एन बी की वैल्यू रखेंगे तो म्यू जीरो एन आई अपॉन में टू आर, और ये जो ए है एरिया, इसमें क्या लिख सकते हैं, कायर स्क्वायर क्षेत्रफल, ये कार से कार कैंसिल होगा, म्यू जीरो एन और एन क्या हुआ, एन स्क्वायर हुआ आई अपॉन में टू, और एक आर ऊपर बचेगा या राइट। ठीक है, ये फाइव समीकरण नंबर एक, सौ पेड़ का सूत्र फाइव बराबर एल आई,
समीकरण एक और रूप में क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे तो एल आई बराबर हो जाएगा म्यू जीरो एल स्क्वायर आई आर अपॉन में टू, आई से आई कैंसिल, एल बराबर म्यू जीरो एल स्क्वायर आर बाय टू। और यदि पैनालिका के बीच में क्या रखे नल लोहे का टुकड़ा तो म्यू जीरो का ही बदल जाएगा म्यू में, एल बराबर होगा म्यू एल स्क्वायर आर बाय टू। पीछे क्या लिखेंगे मात्रा हेनरी, ये किस पे निर्भर करता है तीन चीजों पे, वृत्ति कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर स्वपेंड गुणांक बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ाने पर भी बढ़ेगा, और प्रोट की चुंबकशीलता यानी नल लोहे का टुकड़ा रखने पर भी बढ़ेगा, ये तीन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक डेरिवेशन इसका आता ही आता है। ठीक है, दो स्व प्रेरण के लिए और दो अगले पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में अन्योन्य प्रेरण के लिए।